जय माता दी। दर्शकों, नवरात्रि शक्ति का पर्व, नवरात्रि धन के विशेष उपायों के लिए भी शुभ और असरकारी माना गया है। अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो आप यह उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। पहला है, नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिनों में हनुमान जी को पान का बेड़ा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी आप पर प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं उन्हें पान का बेड़ा भोग लगाने से। इन 9 दिनों में अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दीपक में 4 लौंग डालें। 4 लौंग डाल करके उस दीपक को प्रज्वलित करें। अगला है, सूखे मेवे। 5 प्रकार के सूखे मेवे ले लें और माता की लाल रंग की चुनरी लेकर के माता के मंदिर में उस चुनरी के ऊपर मेवे रख करके माता रानी को अर्पित करें। चौथा है, देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा आप किसी भी दिन जाकर वहां पर चढ़ाएं। ध्वजा चढ़ाने से आपके घर में संपन्नता और निरोगी काया आती है। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करना चाहिए। साथ में 2 लौंग और 2 इलायची का जोड़ा भी अर्पित करना चाहिए। छठवा है, माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। लौंग के जोड़े के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। सातवा है, मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपके घर में संपन्नता आएगी। आठवा है, छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। लाल रंग का रुमाल भी गिफ्ट कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जरूर लेकर आएं। आप स्वास्तिक ला सकते हैं, श्री यंत्र ला सकते हैं, हाथी, कलश, दीपक, जो भी पूजा की सामग्री हो वह लेकर आएं। आप कमल, जलपात्र, श्री यंत्र, कुछ भी ऐसा ला सकते हैं। ऐसा करने से देवी दुर्गा के चरणों में रख दें और इनकी पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन उन सामग्रियों को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर घर के मंदिर में रखें और उन्हें साल भर वहीं रखे रहने दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होती है। तो दर्शकों, और भी कई उपाय हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं नवरात्रि से जुड़े और अपने पारिवारिक जीवन से जुड़े, तो आप उन उपायों को भी देखिएगा और अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।